हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम लोग बनाने वाले हैं ये नॉट, और इसके अंदर इसका ये फ्रंट भी दे रखा है, टॉप भी दे रखा है, साइड भी दे रखा है और थोड़ा सा सेक्शन कटा हुआ है यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर। और ऊपर की तरफ ये देखिए जो रेड लाइंस आ रही है यहाँ पे बने, उनका फ्लिट है, कुछ इस टाइप की शेप आएगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से चलते हैं। और चाहे तो आप एक काम कर लीजिए, डायरेक्टली स्केच में ना जाके मैं यहाँ से ले लेता हूँ इंसर्ट फीचर, और यहाँ से स्पेयर ले लिया। और स्पेयर कितने का चाहिए, ये वाला जो है ये स्पेयर है हमारा, तो स्पेयर है 30 का रेडियस का, तो डायमीटर 60 का। और ओके, स्पेयर आ गया। और स्पेयर के अंदर यहाँ से मैं ट्रिम ले लेता हूँ, ट्रिम में मेरी बॉडी और ये कहाँ आप स्पेयर, ये मेरे पास बन के आ गया। अब इस वाली शेप के लिए, इस वाली शेप के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बीच का प्लेन लेता हूँ। ओके, और इसको मैं बिन ओपन पर डाल देता हूँ, ये बंद हो जाएगा। ओके, अब इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, और ये थोड़ा सा आगे से है। और रेडियस को पहले आप रेडियस ले लीजिए यहाँ से क्लिक, और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों को आप कर दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये पॉइंट और ये जो एक्सिस है, दोनों को कर देते हैं कॉन्सिडेंट, ये मैच हो गया। इसे डबल क्लिक करते हैं, और ये है 32 का रेडियस, जो कि 38 आ रहा है, इसके बाद 32 करेगा। ओके, 32 आ गया है। और ये है 93, और इधर से अगर हम देखें इसे, ये गैप कितना है, ये तो 32 का है, इसे एंटर कर देता हूँ मैं। और ये जो पॉइंट है इसके साथ कॉन्सिडेंट मैच हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इसके बाहर है, तो ये पॉइंट और ये जो है ये ओरिजिन, यहाँ से डायमेंशन लेते हैं, फिर स्पेसिफाई करेंगे 32 क्लोज। इसके बाद एक आर्क है, और इसके बाद भी यहाँ से आर्क है, तो ये क्लिक किया हमने और नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपरली नहीं आ रहा, लेकिन अभी ठीक कर लेंगे इसको। तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हम डाल देते हैं 92 क्लोज। और इसके बाद ये और ये दोनों होना चाहिए टेंजेंट, तो टेंजेंट थोड़ा अजीब आ रहा है, तो इसे आप ड्रैग करिए और ड्रैग करिए, ड्रैग करिए, और यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करके लेके आ गया। अब अगर टेंजेंट करी है मैंने, तो टेंजेंट हो जाएगा, दोनों को कर देते हैं टेंजेंट। तो अभी भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इससे पहले इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ वाला 20 का रेडियस है, इसे कर देते हैं 20। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ये ले चुके हैं। यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये प्रॉपरली क्यों नहीं आ रहा। ओके, ये डायमेंशन तो है हमारी 20 का रेडियस, और ये पॉइंट में इसके साथ मिला, जो सेंटर पॉइंट है उसको मैं इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टली लाइन करते हैं, और फिर इसे ट्रैक करके आप कुछ आगे लेके आइएगा। और ये और ये दोनों होने चाहिए टेंजेंट, अभी टेंजेंट हो गया। सो ये वाली शेप तो मेरी बन गई है, जो कि ठीक है, और इसे आप कर दीजिए नीचे क्लोज। आप अब दूसरा जो कर्व है वो भी मुझे अभी चाहिए, ये वाला जो कर्व है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये कर्व वाला है, ये 32 का रेडियस भी चाहिए। तो स्केच में जाएंगे, सेलेक्ट, और ये सर्कल चाहिए, तो एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक, और 32 का 64 हो जाएगा। और लाइन मैं बस ऐसे ही अंदाज़े से ले लेता हूँ, और ट्रिम कर दीजिए, और इन लाइंस को भी मैं हटा देता हूँ, इन लाइंस को भी हटा दीजिए। और ये वाला
गैप कितना होना है। ये गैप है हमारा 32 का, ये 32। तो इसे पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को लेके आप क्वाड्रेंट के अलाइन करिए, उसके बाद इसे आप करिएगा 16, तो 16 का डबल 32 हो जाएगा और फिनिश। ओके, तो अब मेरा काम है पहले इसको बनाना, तो मैं ऐसे स्वेप्ट ले लेता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है। क्लिक और गाइड कर्व पूरा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सिंगल कर्व चाहिए, तो ये और ये यहाँ तक ही आ गया है और ओके। और यहाँ पे एक्सट्रूड में जाते हैं और ये वाला जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसे 16 करेंगे और मिरर एक्सटेंड कर देते हैं सिमेट्रिकल और ओके। इसे एक बार चेक कर लीजिए, हमने अभी यूनाइट तो नहीं किया, इसे यूनाइट किया गया है बॉडी वन के साथ। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये भी काम कर जाएगा। इसके बाद जो सरफेस थी उसके बाद हमें इसे ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम ले लेते हैं बॉडी और फेस ये वाला और वेट करते हैं रिवर्स डायरेक्शन और ओके ये आ गया है। और इस वाले में से आप जो स्टेप सरफेस बनाए थे इसको मैं हाइड कर देता हूँ, कर्व को भी हाइड कर दीजिए, कर्व भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए हल्का सा कुछ लग रहा है, तो हम क्या करेंगे जो एक्सट्रूड किया था वो इसके साथ ऊपर ही टच हो रहा है, तो उसी का ही इम्प्रेशन आया है ये और कुछ नहीं, हल्का सा उसका इम्प्रेशन आया है। तो इसको भी हम कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए ये हल्का सा जो आया है ये वाला कर्व जो है हल्का सा ऑफसेट होना चाहिए था, उसके बाद हम इसे कट कर दें। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, ट्रिम को आप डिलीट कर दीजिए अगर करना चाहते हैं तो। और ये जो शेप आ रही है हमारे पास इसे आप यहाँ से मूव या ऑफसेट ले लीजिएगा, ये फेस है ये और ये, इसको मैंने करा 1 mm, तो 1 mm और बढ़ जाएगा सिर्फ ये वाला पीस और ओके। ट्रिम में दोबारा से वही यूज़ करूँगा, इसको ट्रिम करना है स्टेप के थ्रू। इशू करना पड़ेगा, बिना उसके ले नहीं रहा है। तो ट्रिम इसके अबाउट रिवर्स साइड ओके ओके, हमारा रिजल्ट वही रहा, बस हल्का सा जो है इसके ऊपर इंप्रेशन आया था वो मैंने हटा दिया। इसे हटा देते हैं और इसके बाद हमें कुछ राउंड चाहिए, तो ये 4 का रेडियस है, एज प्लेट लेते हैं 4 का रेडियस, यहाँ पे 4 का रेडियस चाहिए, यहाँ पे भी 4 का चाहिए और ऊपर की तरफ ये दो जगह पे है, जैसे कहते हैं अप्लाई, ये राउंड हो गया। इसके अलावा जो ये वाला राउंड जा रहा है ये वाला, ये है 4 का, ये भी इसे भी अप्लाई कर देते हैं, ये शेप मेरी आ गई है, आप इधर से ही मैच कर लीजिए या इधर से मैच कर लीजिए दोनों तरफ से। इसके बाद हम इसे कर देते हैं शैल, तो शैल ले लीजिएगा, शेल में 4 की थिकनेस है और ये पीस मुझे नहीं चाहिए ओके ओके, शेप आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, स्केच में जाना है ऊपर वाला प्लेन और ओके, इसे रिवर्स कर लेते हैं और फिर तो अभी आपको प्रॉपरली शो हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं सर्कल और जो बीच का सर्किल है ये 12 का डायमीटर का है, तो 12 ले लीजिए ओके। और 12 अंदर का है तो ऑफसेट हमें भाग के पूछिए 4 का और इसे ऐसे ही रख लेते हैं। इसके बाद लाइन ले लेते हैं और लाइन मैंने यहाँ से ली और यहाँ तक क्लिक, लेकिन ये यहाँ तक ही चाहिए थी मुझे, इतना मुझे नहीं चाहिए था। खैर आप यहाँ से जाएं और एडिट करा दीजिएगा कर्व को ओके
अब फिर आप ट्रिम भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रिम कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा ट्रिम हो जाएगा। इस कर्व को हम कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में, इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं पैटर्न सर्कुलर सेंटर पॉइंट और 360 का एंगल पिच हो जाएगा 120 का। और ओके एक्सिट करते हैं। अब यहाँ से एक्सट्रूड ले लेते हैं इस वाले सर्किल के लिए, पूरे को ले रहा है तो पूरा नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, और सर्किल को पिक कर लेते हैं। ऑफसेट ले लेंगे डबल साइडेड, बाहर की तरफ जाना चाहिए 4, और इसकी सेकंड लिमिट जो आ रही है ये अब एंटर नेक्स्ट, और फर्स्ट लिमिट 4 का गैप छूट जाएगा। ओके जा चुका है। फिर मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ रिप, और रिप में भी सिंगल कर लीजिएगा, ओके, और एक होल भी है और एक होल भी है, तीनों मैंने ले लिए। और यहाँ से ड्रैग करता हूँ 4, और बीच में नहीं चाहिए, बीच में आ रहा है ये, बीच का मेरे को ट्रिम करना ध्यान नहीं रहा, तो एक मिनट कैंसिल कर देते हैं। इसमें जाएंगे और ट्रिम और रिप पीछे कर लीजिएगा, सिग्नल कर लीजिएगा, आ रहा है लेकिन ये बीच का कट नहीं हो रहा है अभी, तो इसके लिए भी देखते हैं 4, ये 4 हो जाएगा, और ट्रिम, ओके देखिए इसे प्रीव्यू में शो कर रहा था, बाकी टूटा गया। इस कर्व को सेलेक्ट करके हाइड कर देते हैं, कर्व को हाइड कर दीजिए, और जो बनाया है पूरे मॉडल को सिलेक्ट करके कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं, सो फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम इसकी कोड कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।